कई देशों को अपनी यात्रा के माध्यम से शांति का संदेश देने वाले अमरजीत सिंह चावला एक बार फिर से अपने टर्बन ट्रेवल से मारवा स्टूडियो से निकल चुके हैं। बता दें कि नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 11 अगस्त 2023 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अमरजीत सिंह चावला टर्बन ट्रेवल फ्लैग ऑफ फॉर हिज जर्नी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टर्बन ट्रेवल के नाम से प्रसिद्ध इस गौरवशाली यात्रा पीस ड्राइव को ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यहां मौजूद सभी लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा देखने को मिला। यह पीस यात्रा 7 महाद्वीपों एवं 200 देशों से होते हुए 5 लाख किलोमीटर चलेगी, जिसमें से वह अब तक कई देशों में अपने इस अभियान को पूरा कर चुके हैं। साथ ही एक बार फिर अपनी 100 दिनों की यात्रा पर निकल चुके हैं। यहाँ यह 25 देशों का भ्रमण करेंगे। बता दें कि देश भर के प्रमुख गुरुद्वारों एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर लोगों को एकता, मानवता एवं भाईचारे का संदेश देते हुए निरंतर आगे बढ़ेगी। संदीप मारवा ICMEI के प्रेसिडेंट ने अमरजीत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि यह बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग 11 अगस्त को यहाँ से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसके लिए ये इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर खोला गया था, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग ये कार यात्रा को आज यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और अमरजीत सिंह जी हमारे मित्र हैं, जो पहले भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। दिल्ली से लंदन तक ये गाड़ी ले जा चुके हैं पूरे यूरोप से होते हुए। इस बार फिर से इन्होंने 25 कंट्रियों को कवर करने का तय किया है। ICMEI, मारवा स्टूडियो और AAFT इस पूरे मिशन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर हैं ICMEI के। और हम लोगों ने इन पिछले 30 सालों में जिस इस स्टेटमेंट को दिन रात हर और किसी न हर इवेंट के साथ इस लाइन को प्रमोट किया है, आज उसी को लेकर ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लाखों लोग इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ेंगे, इन 25 देशों में हमारे भारत की आवाज़ होगी। और इस गाड़ी को भेजने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जो भारत का शांति का संदेश है, वो संदेश लेकर हम लोग इन तमाम मुल्कों में निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम में बहुत जोश है और हम सच्चे भारतीय हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पहचानने में या इन 25 देशों के मुल्कों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में खान पान आ जाता है, उठना बैठना आ जाता है, बोल चाल आ जाता है, कपड़े फैशन आ जाता है, वो सभी चीज़ों के साथ हम लोग पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस दिन, इसे मैं महोत्सव कहूँगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि हम पूरा संदेश लेके भारत से निकलने जा रहे हैं। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले इन 9 सालों में भारत के संस्कारों को, भारत की संस्कृति को, यहां के कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाने का जो योगदान दिया है, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। नई जर्नी की शुरुआत, ये कोई जर्नी वैसे तो नई है नहीं, ये तो 5 साल से मैं कर रहा हूँ, पर अब इसको जो एक्चुअली जो मैं करना चाहता था कि मुझे 7 कॉन्टिनेंट घूमने हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट में से 6 कॉन्टिनेंट में तो आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। 7वां कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका, वो थोड़ा टफ था, पर वो भी हम कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी हम अपनी वहाँ पर भी लेके जाएं किसी तरीके से, भले ही वहाँ खड़ी करके फोटो खिंचवा के ही वापस आ जाए। तो 7 कॉन्टिनेंट्स की ड्राइव है, तकरीबन 1000 दिन लगेंगे इसमें और 5 लाख किलोमीटर की ये जर्नी होगी टोटल, जिसमें हम 200 कंट्री कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा हिस्सा इसमें मैं कर चुका हूँ, जैसे दिल्ली से लंदन में गया था तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें मैंने 30 कंट्री कर रहे थे 40,000 किलोमीटर में। सर, इसका मेन मिशन क्या है, क्या मोटिव क्या है? मोटिव मेरे लिए है, मैंने गाड़ी पे बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में, कि लव पीस के बारे में तो हम बात करते हैं, ICMEI का जो स्लोगन है वो तो है ही है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, अमूमन मैंने देखा लोगों को कि वो
जाके वहाँ पर म्यूजियम दिखाएंगे, बिल्डिंग दिखाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, और उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है। बहुत कम ऐसे टूरिस्ट होंगे जो वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं या लोगों से मिलने के लिए जाते हैं या देखना चाहते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके उनका म्यूजिक क्या है, उनका फूड क्या है। तो हमने इस जर्नी में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। हमारी गाड़ी पे भी ये लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशन ऑफ कल्चर एंड कुजीन, मेलोडीज मीन्स म्यूजिक एंड मेमोरीज। वो मेमोरीज वो जिन लोगों से मैं मिलता आया हूँ, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मैं मिला और बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटीज से मिला, तो एक हम ग्रुप उसका प्लेलिस्ट उसकी होगी कि जिन जिन सेलिब्रिटीज से हम मिलेंगे उनसे हमारी जो मेमोरीज हैं, एक कॉमन आदमी से लेकर और एक सेलिब्रिटी तक, सबके वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेमोरीज हो गई। उसके अलावा हम दोनों थोड़े स्पिरिचुअल हैं और हमने काफ़ी सारी जर्नीज अपने सिख गुरुओं के ऊपर करी हुई हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो यू नो वन ऑफ आवर मेन आइडिया टू डू इन दिस जर्नी ऑल्सो। तो जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर जिस कंट्री में भी कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, जिनका कोई सिग्निफिकेंस हो, जो कि कोई हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हो, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और फिर लास्ट में आता है सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में आज सारी दुनिया बात करती है। कितने दिन की पूरी जर्नी है? जर्नी ये है तो 1000 दिन की, पर 1000 दिन का डजन मीन की 1000 दिन इकट्ठे भी हम करेंगे, बीच में हम इसको ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो मुझे उनको भी बीच में मिलने के लिए आना पड़ेगा। तो 15-15, 20-20 दिन का हम बीच में गैप लेके इंडिया वापस भी आएंगे। सर आपने हाँ, जो शुरू किया था, इस एज में लोग आराम करने की सोच से आप दुनिया घूमने निकल रहे हैं दोनों, मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है कि जिंदगी 60 के बाद शुरू होती है। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, तो अगर आप सही मानों में इसको देखो तो 60 साल तक आदमी अपनी सारी जिम्मेवारियां उतार चुका होता है, वो बिजनेस करके रिटायर हो चुका होता है, अपने बच्चों की शादियां कर चुका होता है, उनके डिवोर्सेस देख चुका होता है, और जो जो प्रॉब्लम्स आनी होती है वो सब कुछ वो देख के कवर कर चुका होता है। तो 60 साल के बाद जो टाइम है वो आपका और आपकी बीवी के लिए होता है, और मैं उसी टाइम को एक क्वालिटी टाइम बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जितनी भी बची हुई जिंदगी है उसको एक अच्छे तरीके से बाहर जाके लोगों से मिल के वहाँ के बारे में जान के और देख सकें कि वाकई में दुनिया क्या है। इससे पहले कि मैं